हेलो फ्रेंड्स, हमने कल क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक सॉल्व किया था। सो आज हम लोग 11 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, अ हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट हैविंग अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक्स ट्रांजिशन टू अ स्टेट विथ एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर्स एन ऑफ द अपर एंड द लोअर एनर्जी स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो दो पार्ट में बटा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कोई क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन एटम में कोई एक एन स्टेट पे इनिशियली इलेक्ट्रॉन है, एन वन स्टेट मान लेते हैं, एन वन स्टेट में कोई इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कि बाइंडिंग एनर्जी, जिसका बाइंडिंग एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसी एक दूसरे एन टू स्टेट पर ट्रांजिशन करता है, किसी एक एन टू स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करता है, और इस एन टू स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी जो है, एनर्जी वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी कहने का मतलब है कि अगर हम इसे n इक्वल टू वन से एक्साइटेड स्टेट में ले करके जाएं n टू स्टेट पर, ठीक, तो उस समय जो एनर्जी यूज़ होगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो हमें n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है और इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ एमिट होगी रेडिएशन की वो निकालनी है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले n1 स्टेट फाइंड करते हैं। सो एनर्जी कितनी दी गई है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 13.6 इंटू जेड फोर हाइड्रोजन इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर, एन विल बी हियर एन वन, सो एन वन का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.85। नाउ एन वन का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 13.6 बाई 0.85, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, देन एन वन विल बी इक्वल टू 4, मतलब ये जो एन वन स्टेट थी ये फोर्थ स्टेट थी। हम लोग N2 स्टेट की बात कर लेते हैं। N2 स्टेट में हम लोग N2 स्टेट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि एनर्जी ऑफ N1 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ N2 स्टेट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एनर्जी ऑफ वन एन इक्वल टू वन स्टेट, एनर्जी ऑफ N इक्वल टू वन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ N2 स्टेट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1, तो 1 का स्क्वायर बाय एन इज इक्वल टू 1 हियर, तो 1 माइनस 13.6, इधर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1, तो 1 का स्क्वायर बाय हियर इट इज एन टू स्टेट, तो देयर फॉर एन टू स्क्वायर will be equals to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट्स कैंसल्ड आउट। अब 13.6 13.6 हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, राइट। और अब ये हो जाए इक्वल टू 10.2। सो हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एन टू का वैल्यू लगभग 2 के बराबर आएगा आंसर। सो दिस इज़ द एन टू स्टेट, एन टू इक्वल टू 2 एंड एन वन इक्वल टू 4। अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डील करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, मतलब इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ होगी उस रेडिएशन को कितनी होगी। सो हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, राइट। तो 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू आर का वैल्यू 1.097 इंटू 10^7 पर मीटर, जेड फॉर हाइड्रोजन इज 1, सो 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर, एन वन हियर विल बी 2, तो 2 का स्क्वायर 4
माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, एन टू हियर विल बी फोर, तो फोर का स्क्वायर 16, वन बाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर इंटू सॉरी 3/16। हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, 1.097 इंटू 3 मीटर, जिसकी वैल्यू आएगी 487 नैनोमीटर, राइट। तो अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वेन एवर अ फोटोन इज एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन बामर सीरीज, इट इज फॉलोड बाय अनदर फोटोन इन लीमेन सीरीज, व्हाट वेवलेंथ डस दिस लैटर फोटोन कॉरेस्पॉन्ड टू। अच्छा, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में है, एक इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब बामर सीरीज से किसी हायर सीरीज में एमिट होता है, उसी समय उसके इसके ट्रांजिशन होने के बाद दूसरा फोटोन जो है वो लाइमन सीरीज से बामर सीरीज की तरफ ट्रांजिशन करता है, राइट। तो हमें इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकालनी है, राइट। तो लाइमन सीरीज में एन वन इक्वल टू वन होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वो चार्ट दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं लीमेन सीरीज में कौन सा एनर्जी स्टेट होता है, बामर सीरीज में कौन सा एनर्जी स्टेट होता है, लीमेन बामर पास्चन ब्रैकेट पफन हम्फ्रे सबका मैंने बना करके चार्ट आपको दिखाया है फर्स्ट वीडियो पे, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एन वन इक्वल टू वन हो गया, राइट, और बामर सीरीज के लिए एन टू इक्वल टू टू। तो हम लोग सिंपल वेवलेंथ निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, वन बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, राइट। तो देयर फोर वन बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर इंटू जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन स्क्वायर सॉरी एंड वन बाई एन वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर इंटू थ्री बाई फोर। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर बाई 1.097 इंटू 3। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 122 नैनोमीटर। सो दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ द दिस ट्रांजिशन। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ हाइड्रोजन एटम इन द स्टेट n इक्वल टू 6 मेक्स टू सक्सेसिव ट्रांजिशंस एंड रीचेस द ग्राउंड स्टेट। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड इन द सेकेंड ट्रांजिशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन द इंटरमीडिएट स्टेज। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 6 स्टेट पर, राइट, और वो n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, डायरेक्टली नहीं, बीच में कोई एक इंटरमीडिएटरी स्टेज पर वो ब्रेक लेता है, और उसके बाद मतलब कि कोई इंटरमीडिएटरी स्टेज लेट्स से n इक्वल टू n डैश, राइट, इसको सपोज कर लिए, तो वो 6 n इक्वल टू 6 से वो n इक्वल टू n डैश स्टेट पर जंप करता है, फिर n डैश से n इक्वल टू 1 पर आता है। तो हमें निकालना है, और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ट्रांजिशन में 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो सेकेंड ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यही हमें फाइंड करना है, राइट। तो और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरमीडिएटरी स्टेज की वैल्यू, एन की वैल्यू, यहाँ पर इंटरमीडिएटरी स्टेज की वैल्यू कितनी होगी। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि E1 - E6, राइट, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट के डिफरेंस निकालना है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन
सिक्स से डायरेक्टली अगर वन पर जंप करता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती, लेट सपोज एक्स एनर्जी रिलीज होती राइट, और एक्स में से यहाँ पर 1.1 और अगर ये टूट टूट कर मतलब कि सक्सेसिव स्टेट में ये ट्रांजिशन कर रहा है तो पहले स्टेट में वो 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई और दूसरे स्टेट में कितनी वो हमें निकालना है, तो हम टोटल एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई है, सॉरी कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो हम निकाल देंगे और उसमें से 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे हम बनाते हैं। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ वन, तो देयर फॉर वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन स्क्वायर, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ वन, तो देयर फॉर वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन हियर इज सिक्स, तो देयर फॉर सिक्स का स्क्वायर 36 राइट। हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/36 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 35/36, इतनी एनर्जी हमारी एक्स है जो हमने यहाँ पर सॉल्व की थी, ये एक्स है राइट। और इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट। तो मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई अब 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बीच में ये इंटरमीडिएटरी स्टेज की एनर्जी निकालनी थी, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस दिस एनर्जी 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट विल कम आउट टू बी 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सेकेंड स्टेज से अगर ट्रांजिशन यहाँ पर करता है इलेक्ट्रॉन तो उसमें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। बी सेकेंड पार्ट का आ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन इन द इंटरमीडिएटरी स्टेज। हमने इस एन की वैल्यू एनडेस की वैल्यू निकालनी है जो इंटरमीडिएटरी स्टेज में इन्वॉल्व था। तो अब हम लोग एनडेस की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे ई वन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ई वन माइनस ई ऑफ एनडेस विल बी इक्वल्स टू 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने पीछे निकाला था 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट। तो यहाँ से आ जाएगा E1 हो जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/1 माइनस ई ऑफ एन डैस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ वन, जेड स्क्वायर बाई इक्वल टू वन बाई एन डैस का स्क्वायर राइट इक्वल्स टू 12.1 वोल्ट राइट। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे 13.6 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1 - 1/ एनडेस का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं तो 1 - 1/ एनडेस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12.1/13.6, इसकी वैल्यू आएगी 0.889। और यहाँ से अगर हम एनडेस की वैल्यू निकालें तो एनडेस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगी। तो इंटरमीडिएटरी स्टेज हमारा थर्ड स्टेज होगा, मतलब कि एन इक्वल टू 6 स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले एन इक्वल टू 3 स्टेट पर आया होगा, फिर एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 1 स्टेट पर ट्रांजिशन हुआ होगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो इन द ग्राउंड स्टेट। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 2 राइट। तो एन इक्वल टू 2 स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एन इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए 0 है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई एन इक्वल टू 2 स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, और ये कोई एन इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की।
तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पर हो तो उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कुछ हाइपोथेटिकल अज्यूम करने को कह रहा है। अज्यूम करने को क्या कह रहा है कि हमें मान लेना है कि एन इक्वल टू वन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है, राइट। तो एन इक्वल टू टू की टोटल एनर्जी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एनर्जी फॉर एन इक्वल टू टू स्टेट बाय कंसिडरिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट, राइट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट कितनी हुई होगी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम फिजिक्स में कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दैट एन एथ ऑर्बिट। सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ वन, तो देयर फॉर वन का स्क्वायर बाई एनर्जी एन इक्वल टू वन ले रहे हैं तो वन, राइट। तो इट विल कम आउट -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसकी वैल्यू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब हम ये थी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट। अब हम हाइपोथेटिकल अज्यूम क्या कर ले रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट जो है जीरो है। इट मीन्स हम लोग ओरिजिनल में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने और एडअप किया होगा, राइट। तभी तो नेट रिजल्टेंट हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट जीरो आ रहा है जो हमने अज्यूम करने को कहा जा रहा है, राइट। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी हर मतलब हर सक्सेसिव ऑर्बिट्स के लिए, राइट। तो अब हम निकालते हैं एनर्जी फॉर एन इक्वल टू टू स्टेट इनिशियली। इनिशियली कितनी टोटल एनर्जी रही होगी एन इक्वल टू टू स्टेट के लिए। तो एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेट इनिशियली रही होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज वन, तो देयर फॉर वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन हियर विल बी टू, तो टू का स्क्वायर फोर। इट विल कम आउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब हम लोग ने जो अज्यूम किया था पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू जीरो, उस वो हम लोग कैसे आया था, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने हर स्टेट्स में एडअप कर दी थी, राइट। तो अब हम फाइनल मतलब जो अब न्यू एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट, ये तो इनिशियल एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट थी जब हमने अज्यूम कुछ ऐसा अज्यूम नहीं किया था, लेकिन जब हमने हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लिया है तो फाइनली एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगी। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फाइनली विल बी इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें हर स्टेट में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एडअप भी करते चलना है। तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमने हाइपोथेटिकल अज्यूम किया था उस हिसाब से एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, एंड दिस विल बी द आंसर।